हे ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती है बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं हूं द न्यूज़मैन। आज मेरे पास काफी बढ़िया बढ़िया स्टोरी है, तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो भाई लोग, तो चलते हैं अपना फर्स्ट स्टोरी की। और फर्स्ट स्टोरी जो निकल के आ रही है वो है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी हाल ही में एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें वो बोला कि न्यू वीडियो के लिए किसे घेरा जाए। बट कैरी मिनाटी के साथ एक फनी इंसिडेंट हो गया। सीन ये हुआ कि कैरी मिनाटी ने एक सॉन्ग है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे यादगार, बहुत ज़्यादा चला है, जिसमें कैरी का सबसे ज़्यादा व्यूज़ है इसी वीडियो में। बट एक लड़का है जिसने कहा है कि मैंने लिखा है इस गाने को। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो लड़का क्या कर रहा है। आप हम थोड़ा सा क्लिप लगाएं भाई, आप लोग देख लीजिए। इतना अच्छा किसने लिखा ये रैप? हमने खुद लिखा। क्या बात है यार, इतना अच्छा लिख। कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैं नहीं मिटानी। कितनी मेहनत सारी बातों से दमे, पूरा सहमत सारी जिंदगी उन्होंने मुझे को रुलाया। इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया। ये सारे इनकी माया, इनका एक हाया साया, वीडियो को रोक के पूरे देश का दिल दुखाया। फकीर हूँ अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने था मुझको दबाया उन हाथों को देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते हैं कूल, हिंदी में देने वाले लगते हैं फूल। फूल से बड़ा देख मेरा फूल, आगे प्रिंसिपल है तो मैं। इस वीडियो को देखने के बाद कैरी मिनाटी का ऑटोमेटिक बीपी हाई हो जाएगा भाई। ये कह रहा मैंने लिखा, मैं तो कह रही भाई हाँ यार क्या बोले यार, बच्चे का लिरिक्स लिरिक्स चुरा लिए हैं आप लोग, सॉरी। तो कैरी मिनाटी ने ट्वीट करते हुए ये कहा, आप लोग भी देख सकते हैं, लिखा कि फाइनली आई हैव बीन कैच। एनीवेज भाई लोग, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। नेक्स्ट स्टोरी जो निकल के आ रही है MC Stan से निकल के आ रही है, बहुत बड़ी खबर है ये। बिग बॉस 16 में गए थे कंटेस्टेंट सुजीता, जो अभी बाहर हो गए हैं। जब सुजीता से पूछा गया कि बिग बॉस 16 के 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन कौन है, तो उसने क्या बताया आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने क्लिप लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर मैं जेन्युइनली बोलूं, जो अच्छे से खेल रहे हैं, ईमान के साथ खेल रहे हैं, निमृत गौतम, फिर मैं स्टैन का नाम इसलिए लेना चाहूंगी। स्टैन अभी तक इतना कुछ स्ट्रॉन्ग खेल नहीं रहे, पर उनका बाहर बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, सो दैट गिव्स हिम अ एक्स्ट्रा पुश एंड सपोर्ट। तो आप लोगों ने सुना कि क्या बताया कि MC Stan का बाहर जो है ना फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। शायद बिग बॉस 16 के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट है सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग शायद MC Stan का ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है ये बड़ा संगीन मामला है भाई। एनीवेज भाई लोग, तो टॉपिक को लेते हैं, हम ऐसे लड़के के बारे में बात करेंगे जिसकी उम्र लगभग 19 साल होगी और यह लड़का थाईलैंड का है। यह लड़का जो मात्र 19 साल की है लेकिन उसने शादी किया है। आपको हैरानी होगी कि वो लड़का आखिर कैसे शादी कर लिया। 19 साल का लड़का लगभग 56 साल की बूढ़ी औरत से शादी की है। आरबी जिसे मीडिया ने ट्वीट किया और इस बात का खुलासा की है, आप लोग भी देख सकते हैं। शादी करने से पहले वो लड़का लगभग 2 साल पहले से डेट चल रहा था, ये दोनों का मतलब डेटिंग सेटिंग चल रहा था, तो आप लोग भी देख सकते हैं, देख लीजिए। एनीवेज भाई लोग, तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है जट प्रभजोत पाजी से निकल के आ रही है। हाल ही में गया ऑस्ट्रेलिया कर, वो कहाँ गया था, नेपाल, नेपाल में एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी उसका हालत गंभीर है। इसका फादर ने क्या कहा आप लोग देख सकते हैं, मतलब हालत बहुत नाजुक है भाई, आप लोग भी प्रेयर करो यार। आई होप कि भाई आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए भाई लोग क्या बोल रहे हैं इसके फादर पाजी के बारे में। कंडीशन किस तरह दी गई है? कुछ क्या नहीं सकता, हालत ठीक नहीं गई थी। तो ये थे प्रभजोत भाई के फादर, जिसने कहा कि ऑपरेशन तो हो गया लेकिन हालात अभी भी खराब है। तो भाई लोग आप लोग भी थोड़ा प्रेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ 8:30 बजे रात में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बोले तो द न्यूज़मैन।